Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन वीडियो सॉल्यूशन ऑफ AITS माइनर टेस्ट 1। तो कैसे हो आप सब, कैसा गया टेस्ट आप लोगों का? क्वेश्चन देख करके मुझे जैसा लग रहा है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा गया है NCERT से पूछा गया है और डायरेक्ट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बार ज्यादा दिया गया है। तो अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को बनाए होंगे और क्वेश्चन को बनाने के बाद एक एक क्वेश्चन को आप जरूर एनालिसिस किए होंगे कि NCERT में ये कहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, और अपने अपने टीचर से जरूर आप डिस्कस करने की कोशिश किए होंगे। लेकिन जो लोगों को अगर टीचर से डिस्कशन का मौका नहीं मिल पाया है तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका है। आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है 70 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से लिया गया है। सबसे पहले आपको है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सबसे फर्स्ट में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। सही, आप जानते हो ओजोन होल करने के लिए CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड में कह रहा है एसी ड्रेनेज मोस्टली बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। वाटर के साथ रिएक्शन करके आप जानते हो कि वही बना देते हैं नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होते हैं नाइट्रिक एसिड, उसी को एसिड रेन कहते हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे को यहाँ पे रोकता है, ठीक है, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन को ये प्रिवेंट नहीं करता है, उसको आने देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 70 का आंसर जो हो जाएगा 4, ये गलत स्टेटमेंट कह रहा है ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। नहीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है, इंफ्रारेड को आने देता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसके केस में कह रहा है 71 में। सबसे पहला तो इसमें से क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे फर्स्ट में कार्बोकैटायन पोजेज सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कार्बोकैटायन होते हैं उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहेंगे, 6 सेक्सटेट हम लोग कहेंगे। यही आपको दिया हुआ है कि कार्बोकैटायन पोजेज सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होता है क्योंकि 3 बॉन्ड होता है कार्बोकैटायन में, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सेकेंड में जो दे रहा है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी वो गलत है। वो यहाँ पे दिया हुआ है कि CH3+, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है CH3 का होल टू CH+, और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि CH3 का होल 3C+। आप खुद बताइए क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। एक्चुअल यहाँ पे आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे कम स्टेबल होता है ये मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ऐसा हम लोग कहेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, थर्ड वाला, फिर सेकेंड वाला, सबसे कम स्टेबल ये वाला, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे साफ साफ गलत दे रहा है और वही तो हमको पूछ रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कार्बोकैटायन हैव ट्राइगोनल प्लेनर सेप, बिल्कुल सही है क्योंकि आप इसमें से देख सकते हो ये जो कार्बोकैटायन होता है इसका अगर आपसे पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है तो आप कहोगे SP2, इसलिए यहाँ पे ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल होता है ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसका होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है फोर्थ में कार्बोकैटायन आर फॉर्म बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज, बिल्कुल सही है बच्चों, होमोलिटिक क्लीवेज के बाद बनता है फ्री रेडिकल, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बाद बनता है कार्बोकैटायन या एनायन, ये बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए
कोई भी आपको कार्बन दिया हुआ रहेगा, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल टर्सरी ब्यूटाइल और कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इसको जब हीट करोगे ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा और R प्लस Cl माइनस में टूटेगा, इसी को कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या फिर कहते हैं हेट्रोलाइसिस कहते हैं। तो आपको कोई पूछे कि हेट्रोलाइसिस के द्वारा क्या बनता है, आप कहोगे कि केटायन और एनायन बनता है, लेकिन होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलाइसिस के द्वारा क्या बनता है, तो होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलाइसिस के द्वारा बनता है फ्री रेडिकल, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज मतलब दो अलग अलग एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड का क्लीवेज होता है उसके द्वारा केटायन और एनायन बनता है। एनसीईआरटी में ये सब आपको दिया हुआ है, यानी कि आप देख सकते हो 71 का आंसर आपको पता चल गया साफ साफ, यहाँ पे होने वाला है सेकंड, वही इनकरेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद देखिए 72 तो और भी बहुत आसान है, आपको कहा जा रहा है कि इन इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कॉज्ड बाय द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। आप अगर देखें एनसीईआरटी पढ़ करके इंडक्टिव इफेक्ट को, वहां पे ये सब लाइन लिखा हुआ है। 72 में भी आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट के लिए स्टेटमेंट ये करेक्ट है। आप जानते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का, तो सिग्मा बॉन्ड का जब पोलराइजेशन होता है तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे आप जानते हो कि सभी का यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सभी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, मतलब यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा करके इसको पोलराइज करने के लिए, इस बॉन्ड को पोलराइज करने के लिए मतलब पोल जनरेट करने के लिए, पोलराइज कहने का मतलब हुआ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल निगेटिव चार्ज, यानी कि पोल जनरेट करना, यहां पे अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो डेल्टा माइनस, यहां पे क्या होगा डेल्टा प्लस। जब ये सिग्मा बॉन्ड पोलराइज कर गया तो ये सिग्मा बॉन्ड इसको पोलराइज कर देगा और इसको पोलराइज करेगा तो यहां पे हो जाएगा दो डेल्टा प्लस, दो डेल्टा प्लस का मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया, क्योंकि इस फ्लोरीन का माइनस आई यहां पे ज्यादा लगेगा, यहां थोड़ा कम लगेगा, यहां पे और कम लगेगा, तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज 3 दिखा देंगे, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड घटते चला जाता है, समझे कि नहीं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। सबसे पहला स्टेटमेंट है इन इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कॉज्ड बाय द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड जब पोलराइज होगा तो वो अपने बगल वाले सिग्मा बॉन्ड को पोलराइज करेगा, फिर वो अपने बगल वाले सिग्मा बॉन्ड को पोलराइज करेगा और ये काम 4 से 5 बॉन्ड तक चलते रहता है, ठीक है ना। 6th कार्बन पे जाकर के इंडक्टिव इफेक्ट 0 हो जाता है, आपने पढ़ाई किया होगा। यहां पे ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में आपको कह रहा है हेलोजन जैसे कि NO2 CN एंड CH3 आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, गलत है बच्चों, ये NO2 बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई शो करता है, CN बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई शो करता है, लेकिन एक मिथाइल जो दिया हुआ है तो याद रखोगे कोई भी एल्काइल चाहे मिथाइल हो इथाइल हो प्रोपाइल हो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, यानी कि प्लस आई शो करता है। ये स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो गया ना, ये हेलोजन कह रहा है, एक हेलोजन भी कह रहा है, तो हेलोजन जो होता है वो हेलोजन शो करता है माइनस आई, चाहे आपको फ्लोरीन हो क्लोरीन हो ब्रोमीन हो आयोडीन हो, हेलोजन माइनस आई NO2 माइनस आई CN माइनस आई वो तीनों हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन मिथाइल हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसलिए ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो गलत हो गया क्योंकि मिथाइल प्लस आई शो करता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इथाइल मतलब ये हो गया CH2 CH3, उसके बाद एक दे रहा है आपको फिनॉक्सी OC6H5 ऐसा दे रहा है, R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप खुद सोच करके देखो कि क्या ये फिनोक्साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, नहीं। ये बच्चों यहां पे जो इथाइल है एल्काइल ये तो प्लस आई बिल्कुल शो करता है, लेकिन यहां जो फिनोक्साइड है उसमें तो ऑक्सीजन है और रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है sp2 कार्बन है, यानी ये शो करता है माइनस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ये गलत हो गया ना कि इथाइल हो गया प्लस आई और ये फिनोक्साइड हो गया माइनस आई, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिर्फ हुआ इथाइल, जबकि दोनों के बारे में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, गलत स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद देखिए फोर्थ में कह रहा है कि प्लस आई इफेक्ट इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, गलत है ना। प्लस आई का मतलब होता है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनर यहां पे हो गया इसके केस में, तो ये गलत स्टेटमेंट दे रहा है बच्चों। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे 72 का आंसर 1 होगा, क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है वो होता है सिग्मा डोनर, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, पुश करता है। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो कह रहा है कि प्लस आई इफेक्ट इज कॉज बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, गलत कह रहा है, यानी कि 72 का आंसर 1 होगा।
समझ गए ना। 72 का आंसर कौन सा होगा, वन, कि इन इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कॉज्ड बाय द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एक सिग्मा बॉन्ड पे अपीयर होगा तो वो अपने बगल वाले को पोलराइज करके वहां भी उसको पोलर करेगा। यानी आप जानते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पोलराइज होता है पार्शियल, इलेक्ट्रॉन का कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको 73 नंबर, 73 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल, कौन इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है। सबसे पहले यहां AlCl2 नहीं AlCl3 होना चाहिए और H2O। तो बच्चों मैं आपको बताते चलो, यहां पे पूछा जा रहा है कौन सा पेयर, मतलब दोनों होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, तो AlCl3 तो इलेक्ट्रोफाइल है, कोई दिक्कत नहीं है, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल है, लेकिन ये जो वाटर है ना उसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने के कारण वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अब देखो आप सेकेंड में दिया हुआ है SO3 और एक दिया हुआ है NO2+, तो अब सुनिए क्या होता है, बच्चे को कंफ्यूजन हुआ है SO3 में, कहीं भी NO2+ में कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल तो है ही। बच्चों आप देखोगे कॉपी, आपको लिखाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, SO3 भी एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है रिएक्शन में, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, पता है का है, सल्फर थर्ड पीरियड का है, तो आपको कहा था कि जहां सेंट्रल एटम में सल्फर हो जाए, फॉस्फोरस हो जाए, सिलिकन हो जाए, वो सब काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि इसके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल यहां पे प्रेजेंट है, जिसके कारण कि यहां पे SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है बिल्कुल। और आपने पढ़ा होगा बेंजीन में सल्फोनेशन, जब हम सल्फोनेशन और बेंजीन करते थे, यानी कि जब हम लोग बेंजीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते थे या फिर हम लोग ओलियम के साथ करते थे, तो यही SO3 हुआ करता था इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता था बेंजीन, तो वहां पे SO3 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता था, कॉपी में देखिएगा। और जब नाइट्रेशन करते थे तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल काम करता था NO2+, मैकेनिज्म आपको क्लासरूम में बताया हुआ है। उसके बाद देखिए थर्ड में आपको यहाँ पे दे रहा है BF3, तो BF3 तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा बिल्कुल, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, लेकिन वाटर जो है ना, वाटर फिर से यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर जिसके पास है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये भी यहाँ पे नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, ये पूछा जा रहा है, पेयर के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अमोनिया, तो अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन पे होता है एक लोन पेयर, तो जब इसके पास एक लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज होता है बच्चों, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये हो गया इसके केस में फिर से क्या, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि दोनों यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करेगा, यानी कि 73 का आंसर हो गया सेकेंड, क्योंकि SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+ एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, तो दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, वही तो पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर इलेक्ट्रोफाइल है, यानी दोनों इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, यही पूछा जा रहा है। 73 हो गया। उसके बाद देखिए 75 का आंसर हम लोग थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, 75 में एक्चुअल आंसर इसका वन होगा इसके केस में, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 75 में सबसे पहले आपको कहा जा रहा है एसर्शन में, एसर्शन आपको ऐसा दिया हुआ है, एसर्शन हमने लिखा यहाँ पे, वन ब्यूटीन आपको दिया हुआ है बच्चों, तो वन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए CH3CH2 CH CH2, और इसका रिएक्शन मेरे को करवाना है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इतना तो आप लोग सभी कोई पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी कभी हम लोग किसी एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, वहां पे मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, और लगता है इसके केस में एंटी मार्कोनिक ऑब्स रूल। तो एंटी मार्कोनिक ऑब्स रूल के मुताबिक निगेटिव पार्ट जो Br है वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट H+ वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है। इसका मतलब यहां पे जो हम लोगों को मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑब्स रूल ये फॉर्मेशन करेगा 1-bromo-butane, यस 1-bromo-butane यही होगा इसके केस में मेजर। और अगर मैं रीजन की बातें करूं, रीजन यहां पे तो वो कह रहा है इसके केस में कि इट इन्वॉल्व्स द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो बिल्कुल यहां पे हम लोग कहते हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। और जब आप मैकेनिज्म इसका करके आप देखोगे जो आपको कॉपी में बिल्कुल होगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं पेरोक्साइड को तोड़ करके बनाते हैं एल्कोक्साइड रेडिकल, और वो रेडिकल क्या करता है HBr को तोड़ करके ले जाता है H रेडिकल को, और Br रेडिकल निकल जाता है,
अब वो बीआर रेडिकल पहले अटैक करता है एल्किन के ऊपर। अगर आपको पूछा जाए कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में पहले अटैक करने वाला कौन सा है, तो आप कहोगे बीआर रेडिकल। उस बीआर रेडिकल को जनरेट कौन करता है, तो पेरोक्साइड, ठीक है ना। पेरोक्साइड ही आपस में होमोलिटिक क्लीवेज करने के बाद बनाता है पहले वो एल्कोक्साइड रेडिकल वगैरह, और वही रेडिकल एचबीआर को तोड़ करके बनाता है बीआर रेडिकल। अगर आप बीआर रेडिकल यहां जोड़ोगे जहां एच का संख्या ज्यादा है, तो जहां एच का संख्या कम है वहां बनेगा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, और वो 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल होगा। और अगर आप बीआर रेडिकल को वहां ले जाओगे जहां एच का संख्या कम है, तो रेडिकल जो बनेगा इंटरमीडिएट वाला वहां बनेगा जहां एच का संख्या ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, बीआर रेडिकल जो बना स्टेप वन में इनिशिएशन स्टेप में, उसको वहां ले जाएंगे जहां एच का संख्या ज्यादा है, तो इंटरमीडिएट जो बनेगा हमारा 2 डिग्री वो मोर स्टेबल बनेगा, वही देगा मेजर प्रोडक्ट। इसलिए यहां पे हम लोग कहते हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो मैकेनिज्म होता है वो करेक्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है। 1-bromobutane क्यों बनता है, 1-bromobutane इसलिए बनता है क्योंकि इसको तोड़ेगा यहां पे HBr को तोड़ेगा पेरोक्साइड, और फिर Br रेडिकल अटैक करेगा जहां H का संख्या ज्यादा है, तो इंटरमीडिएट वहां बनेगा जहां पे H का संख्या कम है, और फिर वो CH रेडिकल दूसरे HBr से H रेडिकल को निकाल करके बना देता है CH2। इस तरीके से 1-bromobutane जो है बन जाता है मेजर प्रोडक्ट। तो 75 का आंसर 1 कर लीजिएगा, इसका आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और इस ये जो assertion है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन। इसलिए यहां पे आंसर इसका 1 होगा, कि इफ बोथ assertion रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यस yes। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 75 के बाद 76, बहुत ही हैंडसम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 76 में कहा जा रहा है कि कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि रिडक्टिव ओजोनाइसिस है क्वेश्चन में, गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनॉल एज प्रोडक्ट द कंपाउंड एक्स एज। बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी बनाना हो, मैं बताता हूं सबसे शॉर्टेस्ट टेक्निक इसका क्या होता है। एक यहां पे बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे लिख दीजिए इसको फॉर्मल्डिहाइड को, अरे भगवान CH2 डबल बोन O यही हो गया इसके केस में क्या, इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड, ओके okay? या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मिथेनल। और दूसरा यहां पे क्या दिया हुआ है, 2-methyl propanol, तो 2-methyl propanol को थोड़ा ऐसे लिख देता हूं CH double bond O CH3, और यहां पे हो गया CH3, तो देख सकते हो 1, 2, 3, इसी को हम लोगों ने यहां पे लिख दिया 2-methyl propanol, हो तो गया। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाए कि कौन ऐसा एल्कीन है जिसका कि हम लोग ओजोनाइसिस करते हैं, तो बनता है फॉर्मल्डिहाइड प्लस 2-methyl propanol, चाहे कुछ भी दे दे, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को आमने सामने लिख देना है। इस प्रकार से आमने सामने लिखना है कि दोनों का ऑक्सीजन एकदम आमने सामने हो जाए, और ये दोनों ऑक्सीजन को बाहर कर देना है, ऐसे दोनों के ऑक्सीजन को बाहर कर देना है, और ऑक्सीजन को बाहर करने के बाद जो बचा CH CH2, इसको आपस में कंबाइंड कर देना है। आपस में कंबाइंड करोगे तो क्या होगा, CH2 CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड के साथ CH, और फिर यहां पे हो जाएगा CH के साथ CH3, और फिर यहां एक CH3 है ही। अब आप देखो इसका IUPAC नेम बच्चों, इसी को हम लोग यहां पे कहेंगे 3-methyl, और इसके बाद यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1-butene या but1-ene। अच्छा एक तरीका और भी है, इसी 3-methyl 1-butene को आप जब करोगे ओजोलाइसिस, तो ओजोलाइसिस करोगे तो रसगुल्ले की तरह दोनों साइड एक एक ओ को रखोगे, तो आप देखोगे 3-methyl 1-butene का जब करेंगे हम लोग ओजोलाइसिस, तो रसगुल्ले की तरह एक एक ऑक्सीजन को रखेंगे दोनों साइड, और ये बना देगा फॉर्मल्डिहाइड, और ये बना देगा 2-methyl propanol, हो गया कि नहीं हो गया। आसानी से ओ को निकाल करके बना सकते हो, साफ साफ आपको दिख रहा है 3-methyl but1-ene, यानी कि 1-butene हमने लिख दिया है, वहां but1-ene दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो 76 का आंसर यहां पे हो गया 4, 4 वाला आंसर इसका आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। समझ आ गया ना अच्छे तरीके से, क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को दिया हुआ है 80 नंबर क्वेश्चन, ये बायोमोलिक्यूल से लिया हुआ है बच्चों, ये सब डायरेक्ट आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ये सब क्वेश्चन तो आपको जुबान पे हमेशा रहता होगा, क्योंकि खूब आप लोगों के सर में पढ़ाया होगा बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी, आप लोगों ने देखा होगा इसका स्ट्रक्चर। क्या पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट एज 5-membered साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कौन ऐसा है। तो बच्चों बहुत आसान है, राइबोज का अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो राइबोज में होता है 5-member रिंग, बिल्कुल। ग्लूकोज, अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखेंगे तो वहां होता है 6-member रिंग। उसके बाद फ्रक्टोज, सबको जानते हो फ्रक्टोज होता है
फ्यूरानोज यानी फ्यूरान का एनालॉजी होता है, तो फ्यूरानोज फ्रुक्टोज जो होता है फ्रुक्टोज वो फाइव मेंबर रिंग बनाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और गैलेक्टोज गैलेक्टोज का होता है सिक्स मेंबर रिंग, यानी कि अगर मैं बातें करूं यहां पे 80 का तो वन एंड थर्ड, ये दोनों का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा यानी कि राइबोज का और फ्रुक्टोज का, ये बनाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसका बनाता है फाइव मेंबर रिंग, यानी कि इसका आंसर यहां पे हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड कहां दिया हुआ है बाबा, यहां पे हो जाएगा सेकंड, आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए 81 में आपसे क्या कहा जा रहा है, 81 में कहा जा रहा है कि इन फाइबरस प्रोटीन, नाम सुने हो, इन फाइबरस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय, यहां पे आप जानते हो बच्चों कि फाइबरस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्डर होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा होता है, तो डाइसल्फाइड लिंकेज तो दिया नहीं है यानी कि यहां पे हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा हो जाएगा। तो 81 का आंसर आपको लेना है यहां पे थर्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे दिया हुआ है, लेकिन याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ यहां पे डाइसल्फाइड लिंकेज भी हो सकता है। ओके ओके, यहां पे हो गया थर्ड आंसर। उसके बाद देखिए 82 नंबर का, 82 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइबरस प्रोटीन, कौन फाइबरस प्रोटीन का एग्जांपल नहीं है। अब किरेटिन, तो आप जानते हो किरेटिन, नाम सुने होंगे खूब, तो ये एक फाइबरस प्रोटीन का एग्जांपल है। एल्बुमिन नहीं, एल्बुमिन जो होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल होता है, फाइबरस का एग्जांपल नहीं होता है। कोलेजन, कोलेजन होता है, ये फाइबरस प्रोटीन है। उसके बाद मायोसिन, तो वो भी एक फाइबरस प्रोटीन है। बच्चों किरेटिन हो गया, कोलेजन हो गया, मायोसिन हो गया, ये तीनों हो गया इसके केस में फाइबरस प्रोटीन, एल्बुमिन हो गया ग्लोबुलर, तो वही आंसर हो जाएगा 82 का आंसर यहां पे हो जाएगा, 82 का आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि एल्बुमिन, ये फाइबरस प्रोटीन नहीं है। उसके बाद देखिए 83 नंबर में सारे एक एक लाइन का क्वेश्चन तुरंत देख के टिक करने वाला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिपीटेड सॉफ्टन ऑन हीटिंग, कौन ऐसा है जो रिपीटेड सॉफ्ट हो जाता है अगर आप उसको हीट करते हो, तो हीट करते हो तो सॉफ्ट हो जाता है और कूल करते हो तो फिर से वो एकदम से कहते हो हार्ड हो जाता है, कौन ऐसा है, आपने देखा होगा, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, यानी ऐसा पॉलीमर्स जिसको कि हीट करते हैं तो वो तुरंत पिघल करके सॉफ्ट हो जाता है, अगर आप कूल करते हो तो हार्ड हो जाते हैं। जैसे पॉलिथीन, आप बचपन में कभी आप बदमाशी किए होंगे या अभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप बच्चे ही हैं, आप पॉलिथीन अगर जलाएंगे तो देखेंगे पॉलिथीन जब जलता है तो उससे वो टप 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 गिरता है पानी, उसका वो सॉफ्ट हो जाता है। अब फिर अगर वो थोड़ा सा भी अगर आपके स्किन पे गिर गया देखिएगा, और वो ठंडा होता है हार्ड हो जाता है, या जमीन पे गिरा के देख लीजिएगा, हाथ पैर पे मत गिराइएगा बहुत जल जाइएगा, ठीक है ना, तो वहां पे देखिएगा हार्ड हो जाता है। यानी कि जितने भी यहाँ पे आपको पता है, ये हो गया इसके केस में, और जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीथीन आप जला करके देखे हैं तो ये हार्ड हो जाता है, ठंडा करते हैं तो जलाते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, तो पॉलीथीन हो गया। उसके बाद यहां पे कह सकते हैं पॉली एस्टायरीन, ये पॉली एस्टायरीन हो गया, चाहे आप कह सकते हो पीवीसी, पीवीसी कहने का मतलब हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टायरीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये होता है थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल, उसी को हम लोग हीट करते हैं तो सॉफ्ट होता है, कूल करते हैं तो हार्ड होता है, यानी कि आंसर देख लीजिए पॉलीस्टायरीन करेक्ट, मेलामिन तो होगा नहीं, पॉलीस्टर तो होता नहीं है, पॉलीस्टर तो होता है फाइबर होता है, गलत हो गया, पॉलीइथाइलिन करेक्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड फोर, यानी कि 83 का आंसर फर्स्ट एंड फोर कहने का मतलब हो गया सेकेंड, सेकेंड हो गया बच्चों, पॉलीइथाइलिन हो गया यानी उसी को हमने पॉलीथीन लिखा है, या फिर पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब होता है यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोप्लास्टिक का ही जो करेक्टर होता है कि हीट करने पे सॉफ्ट हो जाता है और कूल करने पे हार्ड हो जाता है, ठीक है ना, बात खत्म। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है 84 में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए को पॉलीमर, कौन यहां पे को पॉलीमर नहीं है, और आप जानते हो अच्छे तरीके से को पॉलीमर हम लोग किसको कहते हैं, कोई ऐसा पॉलीमर जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर आपस में लिंकेज होता है, तो जब दो डिफरेंट मोनोमर होगा तब उसको कहते हैं को पॉलीमर, और जब एक ही मोनोमर बार 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 आपस में जुड़ता है, आपस में रिपीट करता है बॉन्ड बनाने में एक ही मोनोमर, उसको कहते हैं होमोपॉलीमर कहते हैं, और ये कोपॉलीमर मतलब दो डिफरेंट मोनोमर। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो, सबसे पहला बूना एस,
तो बूना एस कैसे बनता है? बूना एस बनता है 1,3-butadiene प्लस एस्टायरीन। तो 1,3-butadiene प्लस एस्टायरीन के मिलने से बनता है बूना एस। तो बूना एस एक को पॉलीमर बिल्कुल हो गया। तो बूना एस एक को पॉलीमर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो दे रहा है वो दे रहा है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट कैसे बनता है? बेकेलाइट जो बनता है उसमें हम लोग लेते हैं फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि दो डिफरेंट मोनोमर। जहां दो डिफरेंट मोनोमर होगा उसको हम लोग कहते हैं को पॉलीमर, बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड में आपको कहा जा रहा है बच्चों नियोप्रिन। तो नियोप्रिन आप जानते हो ये एक होमोपॉलीमर है, क्योंकि इसका जो मोनोमर होता है सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्रिन होता है। ये सारे आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा स्ट्रक्चर इसका क्लोरोप्रिन। और फोर में यहां पे आपको एक दिया हुआ है जिसमें कि दिया हुआ है डैक्रोन, या इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं बच्चों टेरलिन। और आप जानते हो कि टेरलिन और डैक्रोन इसका जो होता है मोनोमर्स वो होता है, एक तो होता है इसके केस में इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथैलिक एसिड, ऐसा ही होता है ना, ये होता है इसके केस में। आप देख सकते हैं यहां पे फर्स्ट वाला हो गया को पॉलीमर, दो डिफरेंट मोनोमर है। सेकेंड वाला हो गया इसके केस में को पॉलीमर, दो डिफरेंट मोनोमर है। और नियोप्रिन में सिर्फ एक मोनोमर होता है क्लोरोप्रिन, इसलिए होमोपॉलीमर हो गया। आंसर हो जाएगा थर्ड, डैक्रोन, उसी को टेरलिन कहते हैं। इसमें होता है दो डिफरेंट मोनोमर, एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, एक होता है टेरिथैलिक एसिड, यानी कि बेंजीन 1,4-dicarboxylic एसिड वो होता है, यानी ये भी हो गया इसके केस में को पॉलीमर। आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट को नॉट को पॉलीमर, यानी कि आंसर हो जाएगा थर्ड। 84 का आंसर आप यहां पे कहोगे ये हो जाएगा थर्ड। बातें आपको समझ आ गई अच्छे तरीके से सबको, गुड। अब देखिए नेक्स्ट यहां से आपको 85 नंबर क्वेश्चन फिर से आपको दिया हुआ है, बहुत ही आसान। ये लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलिथीन आपने जो पढ़ाई किया होगा एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, उसी की लाइन से यहां पे क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो 84 का आंसर तो आपने देख लिया थर्ड। 85 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो डेंसिटी पॉलिथीन इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? सबसे फर्स्ट, इट्स सिंथेसिस रिक्वायर्ड डाई ऑक्सीजन और पेरोक्साइड इनिशिएटर एज ए कैटलिस्ट। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, बिल्कुल सही है। डाई ऑक्सीजन यानी O2 या पेरोक्साइड यहां पे कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट्स डस्टबिन, ये गलत है। डस्टबिन और बकेट्स जो बनता है वो हाई डेंसिटी पॉलिथीन से बनता है। आप देखेंगे लो डेंसिटी पॉलिथीन से जो है एस्क्यूज बॉटल बनता है, या फिर फ्लेक्सिबल पाइप बनता है, या फिर हम लोग यहाँ पे ट्वाइज कहते हैं ट्वाइज बनता है, ये सब बनता है। जबकि बकेट्स हो गया डस्टबिन हो गया ये सब बनता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन से, थी गलत है। जबकि लो डेंसिटी पॉलिथीन बारे में पूछा जा रहा है, इट्स सिंथेसिस रिक्वायर्ड हाई प्रेशर, आप देख लीजिएगा 1000-2000 एटमोस्फेयर प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है इसको बनाने में, लो डेंसिटी पॉलिथीन को बनाने में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यही कारण है कि जो आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर जो होता है उसको यहाँ पे उसका पूरी तरह से यूज किया जाता है उसको बनाने में। तो इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो 85 का आंसर यहाँ पे हम लोग कहेंगे वो सेकंड। आप पॉलीमर चैप्टर में जाएंगे वहां पे पॉलीथीन के बारे में जहां पढ़ाया है लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन उसको पढ़िएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन लिया गया है रेजोनेंस से, बहुत ही आसान है 93 नंबर क्वेश्चन। आपको पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इज करेक्ट फॉर गिवन स्टेटमेंट्स, हियर टी स्टैंड फॉर करेक्ट एंड एफ स्टैंड फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को, क्या कहा जा रहा है। सबसे फर्स्ट में आपको कहा यह जा रहा है कि द मोर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर द मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी। बच्चों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो आप लोग जानते हो कि रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस, ये होता है इसके केस में। यानी कि आप लोग देखेंगे कि जितना ज्यादा
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है किसी कंपाउंड में उतना ज्यादा बनता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर और उतना ज्यादा वो होता है स्टेबल। तो स्वाभाविक सी बातें हैं, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज्यादा होता है। यानी कि ये आपको ट्रू दिया हुआ है, फर्स्ट वाला बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद देखिए सेकेंड, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई, गलत दिया हुआ है। अरे बच्चों उसी को आपको हम लोगों ने क्लासरूम में आपको पढ़ाया था, तो क्या बताया था कि जब रेजोनेंस होता है तो पोजीशन ऑफ एटम ग्रुप सेम होता है, यानी कि सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितना भी बनता है रेजोनेंस होने के बाद उसमें एटम या ग्रुप का पोजीशन चेंज नहीं होता है। मतलब न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का पोजीशन चेंज नहीं होता है, एटम में ही न्यूक्लियस होता है तो वहां पे उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह चेंज होता है। तो जबकि ये गलत कह रहा है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम ग्रुप होता है क्या? गलत है ये। बट सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, डीलोकलाइज करता है, तो वो हमेशा सेम नहीं हो सकता है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे सेकेंड वाला जो है वो फॉल्स है बिल्कुल। उसके बाद थर्ड में आपको कह रहा है द एनर्जी ऑफ, एनर्जी मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर रहा है, द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिकुलर एनर्जी, मॉलिकुलर एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहा है, इज लोअर देन दैट ऑफ एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे जाए तो आप लोग जानते हो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो वही तो यहां से पूछ रहा है। और आप जानते हो कि जो मॉलिकुलर एनर्जी होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी जो होता है वो होता है इसके केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी का। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो एनर्जी हम लोग कहेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का ज्यादा होगा कंपेयर टू रेजोनेंस हाइब्रिड। तो वही तो कह रहा है द एनर्जी ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, वो लोअर होगा क्योंकि मोर स्टेबल होता है, तो ट्रू है। उसके बाद फोर में क्या कह रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो आप यहां पे कहोगे बिल्कुल सही है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है यानी कि रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। यानी कि फोर वाला स्टेटमेंट भी यहां पे ट्रू है, सिर्फ सेकेंड वाले में याद रखिएगा वो गलत है, फॉल्स है, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कभी भी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई चेंज नहीं होता है, पोजीशन ऑफ एटम या ग्रुप चेंज नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। इसलिए यहां पे आप देखोगे ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ऐसा कहां आ रहा है, तो वो आंसर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यहां पे सेकेंड। तो 93 का आंसर हो जाएगा यहां पे सेकेंड। इस तरीके से यहां पे हम लोगों ने सॉल्व कर देंगे इसको। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो दिया जा रहा है 95 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। उसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है कि क्या बनेगा, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर से लिया गया है और पूछा जा रहा है कहां पे क्या बनेगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 95 में वन नंबर में तो कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि C2H5 है, इसका H2 दिया हुआ है, और जिंक कॉपर कपल इसको कहते हैं, इथाइल अल्कोहल दिस दैट दिया हुआ है। आपको सीधा सीधी कुछ नहीं करना है, यहां एक H जोड़ देना है, ठीक है। तो आयोडीन को हटाइए और एक H को यहां पे जोड़ दीजिए, यानी कि हम लोग यहां पे कहेंगे कि फॉर्मेशन कर देगा C2H6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेकंड है कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों आपको क्या करना है, इसका दो मॉलिक्यूल लेना है, उतना मैकेनिज्म वगैरह में मत जाया कीजिए हमेशा। अब इसका दो मॉलिक्यूल वाटर इस्तेमाल होता है और इसको हम लोग कहते हैं कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आप क्लासरूम में पढ़ाई किए होंगे तो कॉपी में देखिएगा हाइड्रोकार्बन में आपको एल्केन के प्रिपरेशन में इसका मैकेनिज्म बताया गया होगा, ठीक है, एल्केन का प्रिपरेशन में। तो इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा दो मॉलिक्यूल, लेकिन समझना है कि यहां पे दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। ये दिया हुआ है सोडियम एसीटेट, आपको क्या करना है, ये जो COONA वाला पार्ट है बच्चों, COONA वाला जो पार्ट है वो एल्काइल के जिस कार्बन से अटैच्ड है, यहां पे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां पे जिसके साथ भी ये COONA अटैच्ड है उसके साथ होमोलाइसिस करेंगे, इधर CO2 बना करके इसको उड़ा देंगे, और इधर बना देंगे जो भी रहेगा उसका रेडिकल। तो मिथाइल रहेगा तो मिथाइल रेडिकल, इथाइल रहेगा तो इथाइल रेडिकल, इसको बना देंगे और ये निकाल देंगे 2CH3 रेडिकल और बाहर कर देंगे इसके केस में 2CO2, बाहर कर दीजिए।
दो मॉलिक्यूल ले लेना है, ये अंडरस्टूड है कि दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है, आपस में कपलिंग होता है। अब ये जो बना मिथाइल रेडिकल, उसी मिथाइल रेडिकल दो मॉलिक्यूल बना करके आपस में कपलिंग कर दीजिए। और जब आपको पता है कि दो मिथाइल आपस में बॉन्ड बनाएगा, कपलिंग करेगा, तो दो मिथाइल आपस में कपलिंग करेगा तो ये फॉर्मेशन कर देगा इथेन, यानी कि यहां भी हम लोग कहेंगे कि फॉर्मेशन किसका होगा, C2H6 का फॉर्मेशन हो जाएगा, C2H6 का। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए कहे तो CONA जिस कार्बन से अटैच्ड है वहां रेडिकल बनाइए दो मॉलिक्यूल, और दोनों को आपस में कपलिंग कर दीजिए, बात खत्म, आ गया आंसर। उसके बाद देखिए थर्ड में क्या कहा जा रहा है, थर्ड में अरे ये तो दिया हुआ है एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन है CH3, उसके बाद यहाँ पे CH2 है, फिर इसके केस में CH2 है और एक और CH2 है, उसके बाद एक और CH2 है, और लास्ट में यहाँ पे CH3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल हेक्सेन। इस नॉर्मल हेक्सेन का रिएक्शन जो कराया गया है वो कराया गया है Cr2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना, और इसके बाद यहाँ पे 773 केल्विन पे हीट किया गया है। बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन कहते हैं, यानी कि फॉर्मेशन होता है इसके केस में बेंजीन, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं C6H6। तो देख लीजिए, सबसे पहले एक्स बन जाएगा आपको C2H6, वाई बन जाएगा C2H6, उसके बाद जेड बन जाएगा C6H6, यानी कि एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके मुताबिक आप अगर देखने की कोशिश करें कि कौन सा आंसर यहां पे आ रहा है, तो 95 का आंसर आ रहा है 1। उम्मीद करता हूं ये सब क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाते होंगे, और नहीं अगर बना पा रहे हैं तो इस पे मेहनत करिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, और ये सब क्वेश्चन नीट में आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 95 का 1 हो जाएगा आंसर। ओके, एक्स C2H6, वाई C2H6, जेड C6H6। उसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, बहुत ही आसान जबरदस्त ऐसा दे रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ है, एल्किन चैप्टर का क्वेश्चन है। यहां पे ये कुछ इस तरीके से दिया, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस, इसको कहते हैं ट्रांस टू ब्यूटेन, बिल्कुल। उसके बाद यहां पे एक इसका दिया हुआ है दूसरा आइसोमर्स, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि ये है, सब कोई जानते हो इसका नाम, इसको हम लोग कहते हैं सेस टू ब्यूटेन। अब पूछा क्या जा रहा है, पहले ये पढ़िए क्वेश्चन में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको यहां से दिखाना पड़ेगा इस बातों को। सबसे पहले कि मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है डायपोल मोमेंट। बच्चों आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जो ट्रांस वाला है उसका डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0, लेकिन सॉरी यहां पे हो जाएगा 0, इसका नॉट इक्वल टू 0 सिस वाले का। तो ट्रांस वाले का तो 0 होता है, तो यहां पे सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, सेकेंड का ज्यादा होगा फर्स्ट से, यानी कि सिस टू ब्यूटेन का ज्यादा होगा ट्रांस टू ब्यूटेन से। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जो ज्यादा पोलर है, जो ज्यादा पोलर है, यानी कि पोलर कौन है ज्यादा, सिस वाला, क्योंकि सिस का डायपोल मोमेंट है, ट्रांस का तो है ही नहीं, मतलब सिस ज्यादा पोलर है इसलिए उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए देखा जाता है सिमेट्री, सिमेट्री देखा जाता है किसका, क्रिस्टल फिटिंग ज्यादा बेहतर होगा एटम का। आप जानते हो कि ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल देन सिस, तो यहां पे एटम का जो अरेंजमेंट होता है ज्यादा बेहतर तरीके से कॉम्पैक्ट होता है, क्लोजली होता है, उसको सेपरेट करने में ज्यादा एनर्जी लगता है ट्रांस वाले का, इसलिए आप कहोगे कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से। और एक आपको पूछा जाता है और स्टेबिलिटी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है इस देश का, शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, वो अच्छे तरीके से सबको ही जानते हो कि अगर आपसे पूछता है कि ट्रांस और सिस में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, हम लोग यहां पे कहेंगे ट्रांस टू ब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन सिस टू ब्यूटेन, ऐसा हो जाएगा। एक मैं और आपको बता देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए सॉल्युबिलिटी कि पानी में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो बच्चों सॉल्युबिलिटी देखने के लिए देखा जाता है फिर से वहां पे पोलरिटी, जो ज्यादा पोलर है उसी का हम लोग यहां पे कहेंगे ज्यादा हो जाएगा यहां पे सॉल्युबिलिटी, यानी कि सिस वाले का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि उसी का पोलरिटी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो 2 का ज्यादा हो जाएगा 1 से, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी
ट्रांस का ज्यादा हो जाता है। इस तरीके से आंसर आप देखो तो 2 1 2 1 1 2 1 2, यानी कि इसका आंसर यहां पे 96 का आंसर आ रहा है बच्चों थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अक्सर पूछे जाते हैं, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान। आपसे पूछा यह जाता है कि द हाइड्रोकार्बन व्हिच कैन रिएक्ट विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एज। बच्चों याद रखना, सोडियम मेटल के साथ वही रिएक्शन करता है जिसमें कि कम से कम एटलीस्ट वन एसिटिक हाइड्रोजन एटम हो। अब देखिए 97 को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं आपको कि कहीं पे आपको अगर एल्कीन है, अगर कहीं पे कोई भी एल्केन है, चाहे आपको कहीं पे दिया हुआ इंटरनल एल्काइन है, ये सारे के सारे अगर आपको दिए हुए हैं, तो उसका रिएक्शन अगर आप करते हो सोडियम मेटल के साथ तो आप कहोगे नो रिएक्शन। मतलब जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है रिएक्शन नहीं होगा, जहां एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन एटम है वही रिएक्शन करके उसका सॉल्ट बनता है और H2 गैस लिबरेट करता है। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को दिया हुआ है जिसमें कि CH3CH2CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH2 एंड CH2 एंड CH3। अब आप देखो क्या इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और sp3 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होता नहीं है। इसका मतलब कहोगे इंटरनल एल्काइन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। उसके बाद देखिए सेकेंड में क्या कर रहा है, सेकेंड में रिएक्शन बिल्कुल होगा क्योंकि ये दिया हुआ है टर्मिनल एल्काइन, बिल्कुल। यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, ये है एसिडिक हाइड्रोजन एटम, उसी को रिप्लेस करके सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट बनाएगा तो ये बनाता है CH3CH2CNA और बाहर हो जाता है इसके केस में H2 गैस। इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं सोडियम ब्यूटिनाइड, बिल्कुल यहां पे बन जाता है बच्चों। यस, थर्ड में आप देखो, थर्ड में फिर से आप लोगों को ऐसा दिया गया है CH3CH और डबल बॉन्ड CH, और बोला ना मैंने एल्कीन एसिडिक होता ही नहीं है, तो sp2 कार्बन और sp3 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम एसिडिक नहीं होता है, तो वहां रिएक्शन होगा ही नहीं। तो एल्कीन एल्केन और इंटरनल एल्काइन का रिएक्शन नहीं होता है, तो नो रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया है जिसमें कि CH3 है, CH2 है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C है, उसके बाद CH2 के साथ CH3 है। इसका अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करें तो यहां पे भी कहेंगे नो रिएक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ एक यहां पे रिएक्शन हो रहा है, वो हो रहा है सेकेंड ऑप्शन में, और आपको कहीं नहीं हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि एल्केन एल्कीन और इंटरनल एल्काइन का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ नहीं होता है क्योंकि वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। सिर्फ टर्मिनल एल्काइन कहने का मतलब ऐसा एल्काइन जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ एटलीस्ट वन एच डायरेक्टली अटैच होगा, उसी का रिएक्शन होता है सिर्फ सोडियम मेटल के साथ। यानी कि 97 का आंसर यहां पे हो जाएगा सेकेंड, ये सेकेंड हो जाएगा। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा हम लोगों ने देख लिया सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, आप इसको एंजॉय किए होंगे। अब तो मुझे नहीं दिख रहा है, सारे सारे फिजिकल इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, जितना हो सके उतना ज्यादा अभी से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें पर डे, कम से कम एक सेट क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है। जल्दी आप लोगों का यहाँ DPP भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो AITS आपका चल ही रहा है, स्पॉट टेस्ट चल ही रहा है, हर एक 2-3 दिन के बाद तो आपका टेस्ट हो ही रहा है, और अब जो है आपका 17 मार्च से DPP भी स्टार्ट हो रहा है, तो डेली आपका टेस्ट होगा। उससे बेहतर तैयारी होती है क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता है कि किस पॉइंट में कहां पे मुझे और ज्यादा काम करने की जरूरत है, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मुझे नहीं आता है, तो आपको सीखने का जो है ना वहां पे ध्यान जाता है, और फिर आप उस पर मेहनत करते हो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आता है। और जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा थ्योरी आप पढ़ने के लिए जाओगे कॉपी में या फिर NCERT बुक में, तो आप जो है सिलेक्शन के करीब पहुंचते हो, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ईमानदारी से आप पढ़ते रहें, इधर उधर टाइम को बर्बाद ना करें, जितना हो सके उतना टाइम को बचा करके और पढ़ाई पे लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।